इमी थोड़ी बहुत हमें भी ज्ञान दीजिए कि किस तरह की फिल्में बनाई थी उन्होंने और किस तरह के फिल्म मेकर थे। जितने भी पुराने एक्टर डायरेक्टर राइटर जो है उनको आना चाहिए कि वही इंडस्ट्री को चलाते थे। उस जमाने अंडरवर्ल्ड का दबदबा था इंडस्ट्री पे, कुछ लोग पे गोलियां चली थी, कुछ लोग मरे भी गए थे, प्रोड्यूसर लोग, कि ओए ओए वो जो गाना था उस पर बैन लग गया था, ओ क्यों, पुलिस वाले पकड़ते थे, ओए ओए किसने चिल्लाया तो पुलिस वाले पकड़ते थे, ऐसा क्यों, इतना क्या वो हो था। गया। हेलो वन वनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, ओल्डन डेज, गोल्डन डेज के हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर है राजीव राय जी, उनका कमबैक होने वाला है वापस बॉलीवुड में। उनकी काफी सारी फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हुई है, जैसे मुझे याद है बॉबी देओल की पिक्चर थी गुप्त, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिन अकेला, ये दिल अकेला, एंड ऐसी काफी सारी फिल्में बनाई उन्होंने। एंड उनके बारे में कुछ आज हम बात करेंगे और जान के लेंगे हमारे क्रिटिक ऑफ द मास विजय जी से। विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। थोड़ी बहुत हमें भी ज्ञान दीजिए कि किस तरह की फिल्में बनाई थी उन्होंने और किस तरह के फिल्म मेकर थे। जी मैं अभी आपने जो बात किया राजीव राय की, ये अभी के जनरेशन को सिर्फ इतना मालूम कि गुप, मोहरा, ये सारी फिल्में बनाई उन्होंने, जी लेकिन त्रिमूर्ति फिल्म्स जो उनके पिताजी थे गुलशन राय, त्रिमूर्ति फिल्म्स से जो आते थे जॉनी मेरा नाम, ओके ओहो सदाबहार एक्टर देवानंद, और उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म बनाई, जॉनी मेरा नाम, त्रिशूल, दीवार, ये बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई उन्होंने, दीवार भी मल्टी उनकी है। स्टार, दीवार भी इनकी, त्रिमूर्ति ओहो फिल्म्स ओके जी मल्टी स्टार फिल्में बनाते थे, ओके ये किसी को पता नहीं होगा, अब जब देखे तो पता चलेगा। बाद में 80s 90s में सब ये आए, ये लोग मोहरा बनी, गुप्त बनी, मतलब ऐसी ऐसी फिल्में बनाई इन्होंने, जबरदस्त फिल्में बनाई। आपको शायद याद नहीं होगा कि ओए ओए वो जो गाना था उस पर बैन लग गया था, ओ पुलिस वाले पकड़ते थे, ओए ओए किसने चिल्लाया तो पुलिस वाले पकड़ते थे, क्यों, ऐसा क्यों, इतना क्या वो हो गया गाना था। इतना फेमस हो गया था कि लोग लड़की को बुलाने के लिए ओए ओए, तो अच्छा लड़की ये मतलब वो बैन हो गया था, इतना विजू शाह ने धमाकेदार म्यूजिक दिया था। ओ क्या बात, ये गुलशन राय हर पिक्चर में विजू शाह का म्यूजिक रहता था उनके। ओ विजू शाह का जो म्यूजिक था ना बहुत जबरदस्त था, और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने, ये ओके किसी को पता नहीं था, लेकिन अभी आज फिर से आए। एक्चुअली 80s 90s में क्या था, उस जमाने अंडरवर्ल्ड का दबदबा था इंडस्ट्री पे, जी कुछ लोग पे गोलियां चली थी, कुछ लोग मरे भी गए थे, प्रोड्यूसर लोग, कुछ लोग ऐसे चले गए थे, ओके फिर से राजीव राय आ रहे, अच्छी बात, कमबैक होने वाला है उनका। होने उनकी एक पिक्चर अभी उन्होंने बनाई है, लास्ट का पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, पिक्चर का नाम है जोरा, ZORA। कह रहे हैं कि सारे न्यू कमर्स को लिया, 40 फेसेस है न्यू कमर्स के, सारे नॉर्थ बेल्ट के एक्टर्स है, क्या लग रहा है। ऐसे ऐसे मतलब जितने भी, जो मैं तो पहले भी कहा था, जितने भी पुराने एक्टर डायरेक्टर राइटर जो है उनको आना चाहिए कि वही इंडस्ट्री को चलाते थे, कि उनके जितने भी फिल्में हैं ना 100 वीक्स, जैसे दीवार, त्रिशूल, ये सब 50 गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, क्या एरा देखा है उन्होंने। 100 वीक्स मतलब आज क्या हो गया, आके तरस जाएगी हमारी ऐसी कोई पिक्चर देखने के लिए। तो ये लोग ही वापस आना चाहिए और ये लोग ही बनाना चाहिए, तब मजा आएगा। ओके कि क्या म्यूजिक मल्टी स्टार को लेके बनाते थे पिक्चर, सनी पाजी, जैकी, नसीरुद्दीन शाह, बॉबी देओल, सब बड़े बड़े लोगों स्टार को लेके बनाते थे, और जो स्टार नहीं थे उनको स्टार बना दिया। ओके यस यस, उनका कहना था आर्टिकल में, कह रहे थे कि ये जो जब मैंने फिल्में बनाई तब ये लोग बड़े सुपरस्टार नहीं थे, जब सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार के साथ में बनाई थी, लेकिन जब पिक्चर ये बनने के बाद में वो लोग बड़े सुपरस्टार बने। यस उनका एक्शन मतलब टोटल पिक्चर जितने बने मासेस के लिए बनाई। ओके या बच्चन साहब की हो, संजीव कुमार जो भी हो, मासेस की फिल्म बनाई और मासेस ने पकड़ी पिक्चर, आज भी उनका नाम है त्रिमूर्ति फिल्म्स वाले ना, जो मेरे उम्र के लोगों सबको पता, अरे फिर से आ गए। क्या बात है विजय जी, आप खुश हो ये वाला अनाउंसमेंट सुन के, राजीव राय इज बैक। दीवार का वो डायलॉग भूल नहीं सकते, मेरे पास माँ है, कोई भी डायलॉग बोलो दीवार का, उनकी मैं बोला हुए हुए तो बैंड था। yes. ऐसा कभी कभी हुआ है क्या सर, ये बैंड था, मुझे बराबर याद है। ओह, एक एक से वो गाने का और नजरुद्दीन शाह गाते, वो एक ही गाने में बैंड रखा था कि कोई रास्ते पे चिल्लाएगा नहीं। ओके कितनी बड़ी बात है। यस, ये वाली जो अभी पिक्चर बनाई है उन्होंने जोरा, कह रहे हैं कि टाइट बजट में बनाई है लेकिन बहुत स्टाइलिश बनाई है, उनका जो जॉनर है मिस्ट्री थ्रिलर उस तरह की बनाई है। अच्छा, उनके फिल्मों में गाने भी, जॉनी मेरा नाम देखे ना, हाँ। आज भी लोग भूले नहीं है, देव साहब की त्रिशूल में गाने देखे जी, हर एक दीवार में गाने अच्छे थे, ऐसे नहीं कहने थे, हर एक पिक्चर में मोहरा बोलो, गुप्त बोलो, आज भी याद रखते ना बॉबी देओल को। यस, तो हर एक फिल्म के उनके गाने भी सुपरहिट, डायलॉग की सुपरहिट और पिक्चर भी सुपरहिट। हम गए थे अल्फ्रेड सिनेमा, वहाँ पे गुप्त लगी थी विजय जी,
हम वो जब गाना शुरू हुआ दुनिया हसीनों का मेला, हम अंदर जाके वो पूरा गाना देखते हैं और पिक्चर मोर देन 50% आज भी हाउसफुल एल्फ्रेड। कितना सस्पेंस पिक्चर, मजा आता है देखने में, ये कमाल है पुराने डायरेक्टर का, ये कमाल है। ओके, तो सुपर एक्साइटेड है हम लोग दोस्तों, राजीव राय की ये जो फिल्म आने वाली है इस साल के एंड में वो रिलीज करेंगे बोल रहे हैं, एंड देखेंगे किस तरह का प्रमोशन होता है, किस तरह से ग्रैंड यू नो एक रिलीज मिलती है इनके पिक्चर को, एंड किस तरह से लोग इस फिल्म को और इस फिल्म मेकर को वेलकम करते हैं ना, कम बैक बोलेंगे राजीव राय का। जी जी, मैं तो बोलो हर एक लोग देखने चाहिए कि गुलशन राय, राजीव राय जी ने ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, लोग उनको थोड़ी भूलेंगे, इम्पॉसिबल है, उनका नाम आया तो लोग जाना ही जाना है, और उम्मीद करेंगे कि पिक्चर भी सुपरहिट होए, उसी तरह वापस पेश करे और मासेस को पकड़े ताकि थिएटर में लोग भीड़ भाड़ देखे, आजकल थिएटर में थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। चलिए विजय जी, और भी कुछ खबरें आती है तो हम जरूर आएंगे आपके पास में इनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये जो पुराने फिल्म मेकर्स है उनके बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हो और ये सारी जानकारी आप हमें देते हो, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। जानकारी तो ये हम देखा है ना हमने, ये जो रियल है वही बता रहा हूँ। दोस्तों जरूर जाके ये जो फिल्में है राजीव राय की, अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखना, क्योंकि इस साल के आखिर में आने वाली है उनकी पिक्चर जोरा। चलिए विजय, थैंक यू बोलना चाहूंगा।